और किसी पार्टी नहीं, अपने दोस्त फ्रैंकलिन की पार्टी है। फ्रैंकलिन ने लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा सा घर लिया है पहाड़ों की साइड, तो इसी खुशी में वो पार्टी दे रहा है एंड उसने हमें इन्वाइट किया एंड उसने माइकल के साथ साथ माइकल की फैमिली को भी इन्वाइट किया, बट माइकल की फैमिली तो अभी है नहीं, माइकल की फैमिली माइकल को छोड़ के जा चुके हैं फिलहाल के लिए, तो आज हमें अकेले ही जाना पड़ेगा एंड देखते उसने कौन सा घर लिया और कौन सी जगह पर लिया है। और सही भाई, सारे लोग अपनी अपनी तरक्की पर चल रहे, बट अभी माइकल ने कोई ज़्यादा खास तरक्की नहीं करी है, उसके पास अपना घर तो है बट इसको भी मस्त बनवाना है क्योंकि इसमें रंग पेंट करवाना है क्योंकि घर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो हम भी सोच रहे अपना घर पूरा चेंज कर लेंगे, रंग पेंट करवा लेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए चलते हैं फ्रैंकलिन घर पे एंड पार्टी इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपने बेडरूम में, कपड़े अपने चेंज कर लेते हैं भाई, ऐसे चड्डी बनियान में जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े क्या जो भी फ्रैंकलिन के यार दोस्त होंगे सारे आएंगे, और अगर हम ऐसे चड्डी बनियान में जाएंगे तो सही नहीं लगेगा। तो फटाफट चलते कपड़े अपने चेंज कर लेते हैं एंड भाई देख सकते हो माइकल घर पूरा खाली पड़ा क्योंकि भाई कोई भी नहीं है, टैक्सी का रूम है एंड भाई इसके अंदर कोई भी नहीं है, माइकल अपने पूरे इस घर में अकेला रह रहा है। और चलो इसका जिमी का भी रूम देख लेते हैं भाई, ये भी खाली पड़ा है, उसका कंप्यूटर वम्प्यूटर उसका सेटअप सब रखा पड़ा है बट घर में कोई नहीं है। पता नहीं माइकल की फैमिली कब आएगी भाई, माइकल अकेला अकेला उदास हो चुका है घर में एंड इसके पास करने धरने को भी कुछ नहीं है, तो कोई ना अभी तो चलते फ्लाइट फ्रैंकलिन की पार्टी में एंड थोड़ी सी पार्टी इंजॉय करते हैं। देख सकते भाई माइकल की फैमिली के यहाँ फोटो लगी पड़ी और भाई माइकल अभी फ़िलहाल अकेला है, इससे ज़्यादा दुख की बात कौन सी हो सकती है। चलो सबसे पहले हम पूरा सूट पहन लेते हैं, फुल सूट चाहिए हमें तो देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ब्लैक ही ठीक रहेगा, तो चलो ब्लैक सूट पहन लेते हैं एंड कंफर्म। तो ठीक है, हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, चलते फटाफट से नीचे। और आज हम कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे वैसे, कौन सी गाड़ी हमने बहुत दिन से नहीं चलाई, वैसे तो हमने फोर्ड मस्टैंग नहीं चलाई है बट मस्टैंग ले जाना ठीक रहेगा, वैसे हम पार्टी में आ रहे तो अपनी लैम्बोर्गिनी सियाने लेके चलते यार, वो कुछ ज़्यादा तगड़ी है, तो फटाफट से चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियाने लेके एंड देख सकते हो अपनी सारी गाड़ी खड़ी है एंड मैं उसी गाड़ी की बात कर रहा था सामने जो खड़ी है, हम उसको उठा के लेके आ गए थे बट अभी तक उस गाड़ी पे हमने कोई काम भी नहीं किया है भाई, उस गाड़ी को बिल्कुल भी छू के भी नहीं देखा, उस दिन से वहीं की वहीं खड़ी, कोई ना उसको भी देखेंगे, पहले फटाफट से चलते इस गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट चलते फ्रैंकलिन करके। तो ठीक है इस तो ठीक है चलते फटाफट से फ्रैंक के घर पे एंड मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान आराम से निकाल लेता हूँ ईजिली एंड ये लग लगा ना जाए, वैसे भी बड़े दिनों बाद चला ले। पहले मैं सबसे पहले उसके घर की लोकेशन मार्क कर लेता, उसने लोकेशन भेज दी थी फ्रैंकलिन ने, ओके तो यहाँ सेट की तरफ उसने घर लिया अपना। तो ठीक है इस चलते इसके घर पर, बट सबसे पहले मैं यहाँ से ईजिली ये लैम्बोर्गिनी सियान निकाल लूँ क्योंकि भाई ये हमेशा नीचे लग जाती है और भाई खाली पीने का खर्चा बैठ जाता। तो ठीक है इस हम निकल चुके रोड पे और ये भाई गाड़ी तो लगी भागने को हो रही पूरी की पूरी भाई, इसी स्पीड से आएंगे तो फ्रैंकलिन घर पे दो मिनट में पहुंच जाएंगे एंड मेरे को सबसे पहले जाके फ्रैंकलिन घर देखना कि भाई उसने कौन सी जगह घर लिया और कैसा घर लिया है, और सबसे बड़ी बात भाई उस पार्टी में कौन कौन आने वाला है। मेरे ख्याल से हमारे यही सारे ड्राइवर वाइवर है सारे सब आने वाले हैं जो कि मिशन विशन में सब साथ वाथ देते हैं, और भी बाकियों का पता नहीं। तो चलते फटाफट से, मैंने ख्याल से एक गली मिस कर दी है तो कोई नहीं आगे से हम कट ले लेंगे, बट भाई यहाँ थोड़ी पतली गलियाँ हैं जो कि भाई गाड़ी भगाने में भी दिक्कत हो रही है एंड बिल्ली घूम रही है भाई यहाँ पे। ओके तो ठीक है गाइस, भाई लैम्बोर्गिनी भागने को हो रही है बट इस अगर मैं पतली गली में भगाऊँगा तो भाई कहीं ना कहीं जाकर ठुक जाएगी और खामा खाम की गाड़ी पूरी टूट जाएगी। तो ठीक है गाइस, देख सकते हो पतली पतली गलियों में भी भाई 100 की स्पीड से निकल रही गाड़ी इजिली। तो ओके मेरे ख्याल से मैं पहुंच गया भाई, मेरे अपने घर के पास ही फ्रैंकलिन ने घर लिया। तो ठीक है मेरे ख्याल से यही जगह एंड यहाँ पे ये तो वही सुपरा जो हमने डक्कन बॉस को दी थी। तो ठीक है ये तो डक्कन बॉस पे मतलब आया हुआ है, और यहाँ पे एक फरारी खड़ी हुई है, फरारी वाले और रेंज रोवर मेरे ख्याल से, हाँ डक्कन बॉस है बट ये फरारी भी डक्कन बॉस की है क्या, ये कन्फर्म नहीं है। तो ठीक है सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, बाकी का बाद में देखूँगा। ठीक है मैंने अपनी इजली गाड़ी खड़ी तो कर दी है, बट ये सुपरा और ये रेंज रोवर तो गारंटी डक्कन बॉस की, बट ये फरारी भी, ये बट डक्कन बॉस ने एक नई गाड़ी भी ली क्या, हमें बताया नहीं। तो ठीक है देख सकते हो मेरे यहाँ से यहाँ पे एक सुपर बाइक भी खड़ी हुई, और भाई देख सकते हो भाई ये फरारी क्या है, लग रही हो उसमें फरारी हमें मिल जाती।
तो मजा आ जाता, बट मेरे ख्याल से डगन बोस के तो ये हमें मिलने से रही। तो कोई ना कोई चलते सबसे पहले पार्टी के अंदर। एंड तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्टी आटी का ओके, तो नीचे चल रहा है पार्टी का सीन। एंड गाइस देख सकते हो, तो पहले यहाँ पे पार्टी का सीन देख लेते हो। ठीक है भाई, ट्रैवल का देखो कैसे नाच रहा है पार्टी के अंदर लड़के के बीच घुस के। एंड FIB के ऑफिसर सर भी आए हुए सारे। तो ठीक है, इस पार्टी में बाद में चलेंगे, पहले चलते फ्रैंकलिन का घर देखेंगे मेरे ख्याल से। तो एंट्रेंस उस साइड से ही है, एंड दो दो एंट्रेंस है इस घर के अंदर भाई, मस्त है। तो ठीक है, सबसे पहले चलते। ओ सॉरी, मैंने डस्टबिन गिर दिया भाई, इसका उसको पता चलेगा तो भाई छोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले घर देखते हैं। गाइस देख सकते हो क्या इंटरेस्ट है इस घर की, क्या ही मस्त लग रहा है। और भाई एकदम लग्जरी सा घर लग रहा है तो एकदम। तो वहाँ पे एक टेलीस्कोप भी है क्या, एक सेकेंड। और ये क्या है, अच्छा ये आग जलाने के लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर देखते हैं। ओके गाइस, लॉस सैंटोस का पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। एंड भाई होटल वोटल सारे दिख रहे हैं। एंड गाइस देख सकते हो क्या ही पहाड़ का एरिया लग रहा है भाई, मस्त जगह इसने घर लिया है पूरा का पूरा, एकदम एकदम ऑसम लग रहा है। एंड देख सकते हो यहाँ पे दारू वारू की बोतलें रख रखे हैं, हुक्का हुक्का रख रखा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये TV देखने के लिए रूम है। ओके, तो यहाँ पे और मेरे ख्याल से अच्छा ये उसका कुत्ता रहता है, तो भाई इसने यहाँ पे इसका भी जुगाड़ कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे एक शानदार सा किचन है, बट अभी फ्रैंकलिन के साथ तो हुई नहीं भाई, खाना ना कौन नहीं बनाएगा, मेरे ख्याल से नौकरानी वोकरानी रखेगा। तो बस देख सकते हो यहाँ पे मस्त DJ सिस्टम रख रखा है, एकदम मस्त लग्जरी का। और यहाँ पे सीड का कलेक्शन लगा रखा है। और ये टेबल पे क्या रख रखा है मेरे ख्याल से पता नहीं, ये लीडो पीडो सा लग रहा है। तो ठीक है, और बाकी इसका बेडरूम। ओके, तो वहाँ पे जीना है भाई, अलग ही सीक्रेट सा जीना सा लगा रखा है। चलते हैं फटाफट से नीचे की ओर। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ 3-4 रूम्स हैं, तो हम इसके अंदर जा सकते हैं क्या? तो ये रूम तो लॉक है भाई, क्या बात है। तो ओके, ये रूम तो खुला हुआ है। तो ठीक है, हम पार्टी के नीचे भी आ चुके हैं। एंड ओके, तो ये ड्रेसिंग रूम है इसका, एंड ये बेडरूम है। और यहाँ पे भाई शीशा लगा, माइकल शकल देख ले भाई कैसा लग रहा है, तू मस्ती लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। चलो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे इसकी टी शर्ट रखी पड़ी है। तो ठीक है, इस घर और तो देख लिया, चलते फटाफट से पार्टी के अंदर। एंड वो खड़ा फ्रैंकलिन। ओ तो ठीक है, फ्रैंकलिन मिल चुका है हमसे। एंड देख सकते हो पार्टी में अलग ही मस्त चल रहा है। ठीक है, एंड ओके, तो यहाँ पे रह रहा ढक्कन बॉस। इसके साथ ही बॉडी बिल्डर सा बंदा कौन है भाई, तगड़ी इसने बॉडी बना रखी अपनी। तो ठीक है, देख सकते हो। बाकी अभी हम हमें ढक्कन बॉस के काम में अभी कोई बात नहीं करते, बट ये बंदा है जो उससे बात कर रहा है भाई, अपनी सिक्योरिटी भी लेके आया हुआ है। तो ठीक है, और हालचाल। तो ठीक है, वहाँ पर डीजे चल रहे, और देखते पार्टी वार्टी में कौन। ओ गाइस, लेस्टर भी आया हुआ है, और ये ट्रेवर के कुछ यार दोस्त भी आ रखे हैं। और ये फ्रैंकलिन की ओल्ड पड़ोसन है जो कि ये भी पार्टी में आई है। और यहाँ पे इसने कुछ गेम लगा रखे हैं भाई, लेस्टर फोन में पता नहीं कुछ देख रहा है, ये हमेशा काम ही करता रहता है। ओ भाई, यहाँ पे ट्रेवर को देख सकते हो पूरा एंजॉय कर रहा है, इसको किसी मतलब नहीं। एंड ये फ्रैंकलिन का दोस्त है जो कि कैमरे के मिशन में मिला था। एंड यहाँ पे कॉफी ऑफी का लगा रखा है मस्त, और इस सामने गेम वेम से लगा रखी है। एंड सामने वाले टेबल पे मेरे ख्याल से खाना वाना बर्गर वर्गर लगा रखा है, और मस्त यहाँ पे भाई पार्टी वार्टी चल रही है। देख सकते हो सारे लोग फुल मजे में, हम भी कुछ खा पी लेते हैं जल्दी से। तो ठीक है, मैंने भी कॉफ़ी ले लिया, मस्त कॉफी भी पी रहे हो। और भाई देख सकते हो इस DJ सिस्टम में से क्या इफेक्ट निकल रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। एंड ठीक ठाक सी पार्टी है। एंड भाई सबसे मस्त मेरे को उसका घर लगा है, ऊपर की गिरी है। एंड भाई इसके घर के अंदर एक मस्त सा स्विमिंग पूल भी है, बट मेरे को वो समझ नहीं आ रहा कि वो सामने जो बॉडी बिल्डर सा बंदा दिख रहा है वो कौन है। एंड मैंने फ्रैंकलिन से पूछा कि तुम्हारा दोस्त है क्या, भाई फ्रैंकलिन मना कर रहा है कि मेरा दोस्त नहीं है, कि ढगन बोस का कोई जान पहचान कहते हो, ढगन बोस का उसका कुछ काम था तो सीधा ढगन बोस ने उसको यहीं पर बुला लिया। तो वही अपनी बातचीत कर रहे हैं, बाकी फ्रैंकलिन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ठीक है, पार्टी इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या ही अलग सीन हो रहा है। तो ओके गाइस, मेरे ख्याल से ये बंदा जा रहा है, इसकी बातचीत हो चुकी है। एंड ये जा रहा है, तो चल के दिखते कि भाई बंदा कौन है भाई, देख सकते हो उसकी क्या ही बॉडी वॉडी सी लग रही है। एंड मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी में, तो चल के देखते पीछे क्या आखिर मामला क्या है। तो हम भी चलते गाइस, ये तो फटाफट से भाग रहा है। एंड देखते हैं ये भाग के रहा है। ओ मेरे ख्याल से फरारी इसी की है, तो गाइस मेरे को लगा ये फरारी ढक्कर बोस की है, बट ये फरारी तो उसी की है भाई, कौन है बंदा।
मेरे ख्याल से भाई भगा तो लेके गया मेरे को इसकी फरारी चाहिए। अगर ये ढक्कन बॉस की होती तो हम ये नहीं लेते, बट ये इसके तो हम इजिली ले सकते, बट ठीक है चलते फटाफट इसके पीछे। एंड भाई मैं फ्रैंकली तो कभी छोड़ा है भाई इसकी पार्टी और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो कोई नहीं गाइस, बस ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही वैसा लग रही है, चल के देखते हैं। एंड भाई ये बंदा भी कुछ ज़्यादा ही वैसा लग रहा है भाई, फुल गाड़ी को भगा रहा है। मैंने भाई हेलमेट भी नहीं पहना, वो भाई क्या गाड़ी को भगा रहा है। एक सेकंड में साइड में रुक के पहले हेलमेट पहन लेता फटाफट से, एंड भाई वो निकल ना जाए हेलमेट के चक्कर में। तो ठीक है इस फटाफट चलते हैं भाई। ओके तो ये रहा, तो ठीक है मेरे ख्याल से ये हाँ मुड़ गया। मेरे को उसका थोड़ा दूर से पीछा करना चाहिए, कहीं इसको शक वक ना हो जाए। अगर इसको शक हो गया दिक्कत की बात हो जाएगी। बस इतने सबसे पहले जा कर रहा है मेरे ख्याल से, और ये कहाँ चला गया भाई एकदम से गायब से हो गया। ओके ये रहा, तो ठीक है इजली इसका पीछा करते हो, दिखते भाई कौन है ये बंदा। बाकी इसने हमें पार्टी में देखा होगा तो नहीं होगा, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये इसने गाड़ी धीमी कर ली है। तो ये एरिया तो बिल्कुल जाने पहचाना ऐसा लग रहा है कि गाइस आपको याद हो कि हमने इधर से गाड़ी चुराई थी। एंड ये उसी घर में तो नहीं रहता जहाँ इस घर से हमने गाड़ी चुराई थी। ओके तो हमने इस घर से गाड़ी चुराई थी और ये बंदा यहाँ रहता है। एक सेकेंड ये वापस आ रहा है, मैं गाड़ी अपने यहीं खड़ी कर लेता हूँ 2 मिनट। तो ठीक है वो यहाँ पे आ तो नहीं रहा मेरे ख्याल से, वो वापस चला गया। एंड बट वो गया का मुझे तो दिखा नहीं दे रहा। ओके तो ठीक है वो सामने आपको देख सकते हो वो बाहर खड़ा हुआ है। एंड मेरे ख्याल से वो बाहर देखने आया था कि उसको कोई किसी प्रकार का शक तो नहीं हो रहा, बट अभी वो जा रहा है कहीं। तो मैं इसलिए गाड़ी अपनी साइड वाइड ले लेता हूँ यार। तो ठीक है वो घर में जा चुका है एंड मेरे ख्याल से उसका वही सामने वाला घर है। तो मैं फटाफट से कर चल के देख लेता हूँ। बाकी मैंने हेलमेट पहन रखा है, दिक्कत की कोई बात तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से सामने वाला घर है, एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। गाइस ये बाइक की ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो खड़े हुए हैं। मैं इसलिए चलते हुए देखूँगा भाई, रुक के देखूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई, मतलब वो घर इसी का है। तो ठीक है अब हमें रात होने का इंतजार कर रहे हैं। फटाफट से ये गाड़ी हमारी हो सकती है, बस अगर थोड़ी सी रात हो जाए तो मैं जैसे ये गाड़ी यहाँ से लेके जा सकता हूँ। एंड भाई गाड़ी मेरे को कुछ ज़्यादा तगड़ी लग रही है, कैसे भी करके मुझे एक गाड़ी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे रात होने का इंतजार करना है, क्योंकि अगर सुबह दिन में कुछ करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो फटाफट से पहले मैं साइड में खड़ा वड़ा हो जाता हूँ, तो कोई दिक्कत की बात ना हो। बाकी अंदर जाने का इधर तो वो ईजिली मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बस हमें रात होने का इंतजार करना है। तो ठीक है फाइनल रात हो चुकी है, रात के 11 बज चुके हैं। एंड अब बारी है एक तगड़ी सी चोरी करने की। एंड गाइस देख सकते हैं पूरा एरिया सुनसान हो चुका है एंड किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है एंड मैंने मास्क भी नहीं पहना, तो मेरे को ज़्यादा अगर कोशिश रहेगी कोई मेरे को देखे ना और मैं इजिली यहाँ से गाड़ी ले जाऊँ। ठीक है मेरे ख्याल से ओके, तो यहाँ से मैं इजिली जा सकता हूँ, बस ये सिक्योरिटी गार्ड ना देखें। बट अगर मैं यहाँ से उस साइड से अगर मैं अंदर आऊँ तो एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ना पहले सबसे पहले यहाँ से नीचे चलते हैं। बाकी वो अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई, वैसे अपनी नहीं भाई, पार्टी में कोई आया हुआ था, हम उसकी बाइक उठा के लेके आ गए थे। तो ठीक है सामने देख सकते हो क्या है व्यू आ रहा है, तो चलते हैं फटाफट से। एंड यहीं से चल लेते, भाई ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बस इस घर के अंदर जाने की एंट्री मिल जाए। एंड गन तो है ना मेरे पास, ओके मैं एक स्नाइपर वाली अगर मेरे पास पिस्तल होगी तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो गाइस स्नाइपर वाली तो नहीं है, बट हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इजीली मेरे ख्याल से यहाँ पे दीवार खड़ी हुई है एंड हम यहाँ से शायद जा सकते हैं। ओके यहाँ से थोड़ा सा रास्ता तो है, बट ओके सामने ऊपर एक गार्ड खड़ा हुआ है। इजीली पहले सबसे पहले कवर ले लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। मेरे ख्याल से इसको उससे मारना बेटर नहीं रहेगा, अगर मेरे पास कुछ वैसा हथियार हो। ठीक है इससे हो सकता है, इजली हम चलते हैं सबसे पहले आराम से। एंड एक गार्ड वहाँ भी खड़ा है, मैं इन दोनों को कैसे मारूंगा। एंड मेरे ख्याल से वहाँ पे किसी आग वाग लग रखी है ना क्या है वो, बट आग के चक्कर में भाई मैं अलग ही नशे में हूँ। इजली पहले मैं चलता हूँ आराम से, मेरे ख्याल से पहले कौन से गार्ड को मारना सही रहेगा। एंड भाई इसको तो मैं मार ही नहीं सकता हूँ किसी भी एंगल से, मेरे ख्याल से उसका थोड़ा सा ध्यान उधर है। तो मैं सबसे पहले इसको आराम से हुए हॉर्न कौन बजा रही है, तो इजीली से पहले मैं इसको मारता हूँ। ओ शिट मैन गाइस इन्होंने मेरे को देख लिया है, मेरे को लगा मैं एक एक करके इजीली सबको मार दूंगा, बट यहाँ कुछ अलग ही पंदा हो गया। तेरी भैंस की टक ले, रुक तेरी भैंस की, इधर आ तेरी भैंस की, रुक रुक
हेलो रुक जाओ, बस दिक्कत हो चुकी है मेरे को, पीछे भागना पड़ेगा। एंड भाई रात हो रही हो तो शुक्र है इन्होंने मेरे को पूरा फेस भी नहीं देख पाएंगे, बट इसलिए मैं ऐसा निकलना पड़ेगा फटाफट से। एंड भाई वो जो बंदा है वो गाड़ी लेके गए इधर उधर नाच लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे गाड़ी तो खड़ी हुई है, बट यहाँ से मैं किसी को मार भी नहीं सकता हूँ। मैं गलत फंस गया गाइस, मेरे को फटाफट से उसी जगह पे जाना पड़ेगा। और तेरी भैंस की रुक, तेरी अबे ऐसा कहाँ चाहिए तेरी भैंस की रुक। गाइस ये वाली पिस्तल ठीक नहीं है, मेरे को दूसरी पिस्तल निकालनी पड़ेगी फटाफट से। ठीक है तेरी भैंस की रुक जा, ये वाली पिस्तल थोड़ी सी ठीक है, ऑटो पिस्तल है। गाइस यहाँ पे गलत सीन हो चुका है, वहां पे भी कुछ गार्ड्स हैं, बट तेरी भैंस की भाई उसको वहां पे कांच लगा पड़ा है, तो भाई पिस्तल से काम नहीं होने वाला, हमें अपनी M4 निकालनी पड़ेगी। एंड थोड़ी देर अगर आप और रुके वहां पे पुलिस वुलिस आ जाएगी। भाई भाई अच्छे वाला हम पार्टी में गए होते और ये भाई हमने क्या कर लिया ये। ठीक है यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ चुके, मैंने सोचा था इजली हम लेके निकल लेंगे, छोटी सी चोरी इजली से कर लेंगे, बट कुछ ज़्यादा दिक्कत हो चुकी, बट कोई नहीं गाइस दिक्कत हुई है तो ये गाड़ी तो हम यहाँ से लेके जाने ही वाले हैं कैसे भी करके, बस ये इजली यहाँ से मुड़ जाए ब्रो। तो ठीक है इस भाई गेट खोल दो भाई। तो ठीक है इस गाड़ी तो हमें मिल चुके हैं, वैसे भी बाइक अपनी नहीं थी तो उसकी हमें टेंशन नहीं है, जिसकी भी वो लेके चले जाएगा। और भाई ये पुलिस वाले का तुम्हारा अलग ही झंझट है क्या यार, सामने से हटा लो, मैं ठोकना नहीं चाहता इस गाड़ी को, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी लग रही है, बट ये पुलिस वाले नहीं मानेंगे। बस मुझे एक रोड मिल जाएगा इस, क्योंकि कोई नॉर्मल फरारी नहीं है, सुपर फरारी, और बट ये सुपर को धूपर करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो इजली बस मुझे एक हाईवे मिल जाए तो मैं इसको यहाँ से लेके भाग सकता हूँ। तो नीचे से मेरे ख्याल से एक रास्ता जा रहा है, बस ये हेलीकॉप्टर वाले मेरा पीछा छोड़ दे यार। ठीक है इन्होंने मेरा मेरी गाड़ी नहीं है वैसे जिसकी भी, बट अब मेरी अच्छी की, बट ये इस गाड़ी का बुरा हाल कर रहे भाई, छोटी सी चोरी मेरे को लगता है भारी पड़ने वाली है मेरे को। तेरी भैंस की रुक जाओ, बस मुझे एक हाईवे मिल जाना। एक तो वैसे भी भाई ऐसी पतली पतली जगह यहाँ पर गलियाँ हैं, मुझे फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ से भगानी पड़ेगी। रुक जाओ तो ठीक है इस, बस मुझे एक हाईवे मिल जाना तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, बट ये पुलिस वाले मेरे को नहीं लगता कि मेरा पीछा छोड़ने वाले हैं, छोड़ दो यार। ठीक है मेरे को पहाड़ों की साइड लेना पड़ेगा, पहाड़ों के एरिया में तो हैं ही हम, बस तो बस ये गाड़ी पहाड़ों पे चढ़ेगी भी नहीं चढ़ेगी मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा है, बट कुछ भी हो अब हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पहाड़ की साइड ही गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। तो ठीक है अगर पुलिस से छुटकारा पाना है तो पहाड़ों के अंदर जाना ही पड़ेगा, बट ये तो पहाड़ नहीं है भाई, इन्होंने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया, अगर इन्होंने पकड़ लिया ना तो भाई सीधा जेल में ले आके बंद करने वाले हैं और मेरा खेल खत्म। ठीक है यहाँ पे है तो कुछ एरिया गाइस देख सकते हो, इस गाड़ी के नीचे क्या है मस्त लाइट जल रही और क्या ही लग रही है ओसम से गाड़ी, बट इस गाड़ी का इन्होंने थोड़ा सा नाश कर दिया, मैं उसको रिपेयर करवा लूँगा, बट सबसे पहले इस पुलिस से तो बच जाऊँ। ठीक है गाइस देख सकते हो इसका सस्पेंशन जो है, इसमें हम वो अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, तो ठीक है देख सकते हो इसका सस्पेंशन अभी ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको पहाड़ों पे चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, और इजली ऊपर आ चुके हैं गाइस देख सकते हो। आगे का बम्पर हम पर टूट गया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये पुलिस वाले हमारे पीछा छोड़ दें, जैसे पुलिस वाले हमारे पीछा छोड़ेंगे हम चलेंगे किसी हाईवे पे, एंड इसकी भाई टॉप स्पीड देखने वाले हैं, क्योंकि गाइस देखो हम हल्की सी देर भाई गाड़ी भागने को हो रही है, देख सकते हो भाई ऑसम लग रही है। और मेरे ख्याल से किसी पुलिस वाले ने देखा नहीं भाई गाड़ी नीचे कहाँ जा रही है इजली, तो ठीक है फाइनली पुलिस वाले ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, एंड हम तो बच तो चुके हैं अभी के लिए फिलहाल, बट उस बंदे को पता चला कि भाई उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो उसका क्या ही होने वाला है। तो ठीक है चलते हैं फटाफट से किसी हाईवे पे एंड इस गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करते हैं। तो ठीक है फाइनली मैं हाईवे पे आ चुका हूँ गाइस देख सकते हो, बट अभी मेरे को लगा कि पुलिस हमारे पीछे दोबारा पड़ चुकी है गाइस, हमारे पीछे नहीं किसी और के पीछे पड़ी हो गाइस देख सकते हो गाड़ी की हाई स्पीड है ईजिली भाई, ट्रक वाले ने अच्छा भाई रोक लिया वरना हमारा खेल तो यहीं ख़त्म हो जाता। तो ठीक है मस्त रोड है, चलो गाड़ी को भगाते ईजिली
देख सकते हो हल्की सी रेस देते भाई, गाड़ी भागने को हो रही पूरी। एंड भाई रात का मौसम हो रहा भाई, अलग ही लग रही है। तो ठीक है चलते फटाफट से इस गाड़ी को घर पे लेके खड़ी कर देते, कल रिपेयर करवा लेंगे बाद में। बट बात करते करते मैंने भाई गाड़ी ठोक डाली, वो तो शुक्र है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है बिना किसी बात करे चलते फटाफट से घर पे इस गाड़ी को खड़ी करते हैं। और बस देख सकते हो भाई 200 तो पार हो चुकी है गाड़ी, बट इस गाड़ी के ब्रेक लग भी नहीं रहे। मेरे ख्याल से ब्रेक में थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है क्योंकि ये स्पीड पकड़ रहे तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड ये कौन सी गाड़ी जा रही है, मस्त लग रही है। बट हमारी इस गाड़ी के सामने कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आगे कोई लाल सा एरर दिख रहा है। मेरे ख्याल से कोई किसी की गाड़ी चोरी करके भाग गया है। बट अभी हम भाई किसी की मदद नहीं करने वाले क्योंकि हमारी कोई मदद कोई खुद कर दे पहले वही बड़ी बात है। और बस देख सकते हो गाड़ी कहीं भाग रही है, बस देख सकते हो वालों की स्पीड इसके आने हम किसी टनल में घुसने वाले हैं। उनको देख सकते हो क्या ही अलग साउंड आ रहा है इस गाड़ी का। तो वो गाइस देख सकते हो 200-250 की स्पीड में चल रही है एंड अगर ये ढुकी तो सीधा भाई ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है इस मोड़ आ चुका है, मैं इजी गाड़ी मोड़ लेता हूँ बिना किसी दिक्कत के। ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एंड रात भी कुछ ज़्यादा हो चुकी है। फटाफट से घर चलते हैं एंड गाड़ी को खड़ी करके थोड़ा सा आराम आराम कर लेते हैं। भाई मैं फ्रैंकलिन की पार्टी से बिना बोले यहाँ पे आ चुका हूँ, भाई फ्रैंकलिन क्या ही बोलेगा। प्लस हमारी जो लेमोगनी सियान है वो भी फ्रैंकलिन घर पे खड़ी हुए, वो तो फ्रैंकलिन घर पे खड़ी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो इजीली सेफ अपने गैराज में खड़ी कर लेगा। बट एक सेकंड गाइस ये गाड़ी इसमें से कुछ साउंड आ रहा है मेरे को एंड ये स्पीड छोड़ दे रही भाई, जिसकी अपने आप चल के बंद हो जा रही है। मेरे ख्याल से भाई इसमें कुछ थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, बस इजीली घर पहुँच जा अगर ये रास्ते में बंद हो गया ना बहुत दिक्कत दिक्कत हो जाएगी मेरे ख्याल से। बट भाई अलग ही सीन हो रहा है, मैं भाई ये घर नहीं पहुंचने वाली। मैं पहले सबसे पहले गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ, यहाँ पे और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ठीक है मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, बट इसका इंजन बंद हो चुका है एंड इसके इंजन में से पता नहीं कुछ चिंगारी ऐसा निकल रही है, पता नहीं क्या हो चुका है। मेरे ख्याल से इसको हम पहाड़ वहाड़ पर ले गए तो फिर इसका इंजन कहीं से लीक हो गया एंड भाई इसके इंजन में तगड़ी खराबी हो चुकी है। और भाई रात के 2 बज रहे हैं, ओ भाई दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से हमारी मदद करने वाला नहीं है क्योंकि मैं बहुत देर से कुछ गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, बट ये गाड़ी कोई भी नहीं रोक रहा क्योंकि पूरा हाईवे है एंड भाई यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। मैंने अभी लेस्टर को भी फ़ोन मिलाया बट उसका भी फ़ोन अभी ऑफ दिखा रहा है। तो भाई हमें किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, इस गाड़ी को रिपेयर करा के यहाँ से ले जाना पड़ेगा, या तो हम इसको टो करके ले आना पड़ेगा या तो भाई रिपेयर करवा के ही ले जाना पड़ेगा। बाकी देख सकते हो इसकी गाड़ी से कैसे चिंगारी इंगारी से निकल रही है भाई, मेरे ख्याल से इसके इंजन में कोई तगड़ा वो हो गया है। अगर भाई अगर इसको ज़्यादा नुकसान हो गया होगा तो भाई हमारे तो लग जाएंगे, हमने सोचा था भाई कुछ और, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो चुका है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत ट्राई किया बट भाई गाड़ी बिल्कुल भी ट्राई नहीं हो रही, गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा ही खराबी हो चुकी है। तो ठीक है आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें इस गाड़ी को रिपेयर करवाना चाहिए या कहीं फेंक देना चाहिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।